नमस्कार किसान मित्रों। किसान मित्रों, यदि आप मूली की खेती कर रहे हैं तो इस समय देख रहे होंगे, अर्थात बरसात की जो मूली बोई जाती है, बरसात के मौसम में जिस मूली को बोया जाता है, जो लोग मूली की खेती करते हैं, जो किसान, वो देखते होंगे कि मूली में अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं, जिसमें सबसे लगने वाली अधिक लगने वाली बीमारी होती है सड़न गलन व गलता। आम भाषा में इसको गलता बोलते हैं। किसान मित्रों, आप देखते होंगे कि इसके पौधे, जब पौधे करीबन 10-12 दिन के होते हैं, तो आप देखते होंगे जड़ से लेकर और आधा तना लगभग सूखने लगता है, तो वो सड़न गलन की समस्या की वजह से होता है ऐसा। कभी कभी आप देखते हैं मूली बड़ी हो चुकी है, पत्ते में सड़न गलन की समस्या आ जाती है। कभी कभी किसान मित्रों, आप देखते हैं कि मूली में ही सड़न गलन की समस्या आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है किसान मित्रों, क्योंकि बरसात के मौसम में जो मूली बोई जाती है, तो बारिश की वजह से खेत में या मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है और मूली में भी पर्याप्त नमी की मात्रा पाई जाती है। तो जब बारिश होती है या इसमें पानी लगाया जाता है, तो पर्याप्त नमी होने के कारण इसमें फंगस का अटैक होता है, जिससे इसमें सड़न गलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो पत्ती में हो या मूली के कंद में हो या मूली में हो या मूली के छोटे छोटे पौधों में हो, जो नर्सरी होती है अभी तैयार हो रही होती है, छोटी होती है 10-12 दिन की, उसमें सड़न गलन की समस्या आती है। या मूली की पत्तों पर कभी कभी आप देखते हैं कि सड़न गलन की समस्या आ जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप किसान मित्रों, अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो मीराडोर दवा आती है, इसका प्रयोग 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप यदि अपनी फसल पर स्प्रे करते हैं, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। किसान मित्रों, यदि आपकी फसल में, मूली की फसल में सड़न गलन की समस्या है, चाहे पौधे में है, चाहे मूली में है, चाहे मूली के पत्ते में है, तो आप अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मीराडोर दवा का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं, तो आप सड़न गलन की समस्या से बच सकते हैं। किसान मित्रों, मीराडोर एक ऐसी दवा है या एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड होता है और 80 फार्मुलेशन में होती है। तो किसान मित्रों, इसमें और इसमें अजॉक्सी प्रोविन 23% 80 फार्मुलेशन में पाया जाता है। तो किसान मित्रों, यह सिस्टमेटिक दवा होने के कारण पूरे पौधे को प्रभावित करती है और पूरे पूरे पौधे में जब इसका स्प्रे किया जाता है, तो ये पूरे पौधे में पूरी तरह से फैल जाती है और जहाँ भी फंगस का अटैक होता है उसको कंट्रोल कर लेती है। यदि आप मीराडोर का प्रयोग मूली की फसल में आप करते हैं, तो सड़न गलन की समस्या से बच सकते हैं। किसान मित्रों, मीराडोर का प्रयोग आप करते हैं, करने के लगभग 3 से 4 घंटे पश्चात देखेंगे कि आप सड़न गलन की समस्या पर नियंत्रण पा जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप मूली की फसल पर मीराडोर का प्रयोग करते हैं, तो ये सड़न गलन की समस्या को, अर्थात फंगस को, बहुत जल्द ही कंट्रोल कर लेता है, जो मूली नष्ट होने से, मरने से बच जाती है। इसके लिए किसान मित्रों, आप अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मीराडोर का ही प्रयोग मूली में करें, तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आप सड़न गलन की समस्या से बच जाएंगे। इसका प्रयोग करके किसान मित्रों, आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। मूली की फसल में प्रायः किसान मित्रों, यह देखा गया है कि मूली की पत्तियों पर जो हरी भरी पत्तियां होती हैं, इन पर काले दाग धब्बे बनने लगते हैं, और इसकी रोकथाम के लिए किसान मित्रों, मीराडोर का प्रयोग यदि आप करते हैं, तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप मूली की फसल पर छिड़काव करें, तो आप काले दाग धब्बे की समस्या से भी बच सकते हैं। एक दवा काम दो, अर्थात मीराडोर के प्रयोग से आपकी सड़न गलन की समस्या भी हल हो सकती है और काले दाग धब्बे जो मूली के पत्तों पर बनते हैं, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक ही दवा से कई बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। इसलिए किसान मित्रों, आप यदि मूली की खेती करते हैं, तो अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मीराडोर का प्रयोग आपके लिए बहुत उपयोगी है और इसके प्रयोग से आप अपनी फसल को सड़न गलन की समस्या से व काले
दाग धब्बे की समस्या से आप इसके प्रयोग से बच सकते हैं और आप कम से कम खर्चे में अधिक लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों।